सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आर्टिफाइजर अप्रेंटिस जो इंडियन नेवी में होता है वह ऑफिसर यानी कमीशन्ड ऑफिसर जरूर बन सकता है। उसके तीन डिफरेंट तरीके होते हैं, तीन डिफरेंट स्कीम होती हैं। आप बिल्कुल कमीशन्ड ऑफिसर बन सकते हो अगर आप 12वीं के बाद आर्टिफाइजर अप्रेंटिस की एंट्री कर रहे हो इंडियन नेवी में, बिल्कुल बन सकते हो। सबसे पहला तरीका इसमें क्या है, सबसे पहला तरीका है आपको अगर आप 18 साल के हो, 19 साल के हो, 20 साल के हो, जब भी आप एंट्री कर रहे हो उसके एक साल बाद भी अगर आप एनडीए को राइट करने के लिए एलिजिबल हो, एनडीए एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल लेके एनडीए या सीडीएस या एफकैट कोई भी एग्ज़ाम अपनी एज के अकॉर्डिंग, तो वो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करके आप एसएसबी में जा सकते हो और आप फिर उसके बाद ऑफिसर बन सकते हो। आपको इधर से इस लेवल से छोड़ दिया जाता है। दूसरा है CW स्कीम। CW होता है कमीशन वर्दी स्कीम। इस स्कीम में आप जब ट्रेनिंग करते हो 1.5-2 साल में नेवी ज्वाइन करने के बाद, आपका एक जनरल परफॉर्मेंस और आपकी जनरल अचीवमेंट्स पता चल जाती हैं। तो उस बेसिस पे अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और आपको डिजर्विंग माना जाता है कि आप कमीशन वर्दी होने के लायक हो, तो आपका एक स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है और एक रिटन एग्जामिनेशन होता है अपने यूनिट लेवल पे, या अगर आप किसी स्टेशन से हो तो वहाँ से आपको यूनिट भेज के ये काम करा जाएगा। और अगर आपकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में आप क्लियर हो गए तो फिर आपको SSB के लिए आगे भेज दिया जाएगा। इसकी वैकेंसी बहुत कम होती है, सालाना 10% लोग जो ऑफिसर बनते हैं टोटल, उसमें से 10% ये कमीशन वर्दी स्कीम के होते हैं। तो ये वैकेंसी डिपेंडेंट बहुत होता है, बट हाँ, ज्वाइनिंग करने के बाद भी आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो आप CW एंट्री में ऑफिसर बन सकते हो, कमीशन वर्दी स्कीम के थ्रू ऑफिसर बन सकते हो। अगर आप ये भी नहीं बन पाते तो भी आपके पास एक SD स्कीम होती है, वह होती है स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर। जो आप 10 साल से 12 साल या 15 साल या 20 साल की एज के बाद आप ऑफिसर बन सकते हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द टेन्योर, जो भी आप स्टार्टिंग से लेके 10 साल 12 साल जब भी आप इसको अप्लाई कर रहे हो, इसके लिए आपका नाम अगर फॉरवर्ड करा जा रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तभी जब आपकी अचीवमेंट अच्छी है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप कंसिस्टेंट दे रहे हो और आपका नेचर अच्छा है, आपसे सारी जो उम्मीद करी जाती है आप उस पर खरा उतरते हो, आपकी परफॉर्मेंस यानी अच्छी है, आप एक डिजर्विंग बंदे हो, तो आपको SD स्कीम के थ्रू भी प्रमोट करके ऑफिसर बनाया जाएगा। आपका नाम फॉरवर्ड कर दिया जाएगा यूनिट पे, यूनिट से हेडक्वार्टर पे, और हेडक्वार्टर से फिर आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए। अगर आपने वो क्लियर कर दिया तो फिर आप INA जाओगे बेसिक ट्रेनिंग के लिए और उसके बाद आप ऑफिसर बन जाते हैं। तो इन तीनों चीज़ में अगर आप आर्टिफाइजर अप्रेंटिस ज्वाइन कर रहे हो उसके बाद इंडियन नेवी में ऑफिसर कैसे बनना है, आपका बिहेवियर अच्छा होना है, परफॉर्मेंस अच्छी होनी है बाद वाले CW और SD स्कीम के लिए, ताकि आपकी जो रिपोर्ट्स बन रही हैं हर साल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो जा रही हैं वो अच्छी जाएं, और इसके लिए आपका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि जो SSB में आपका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपका जनरली साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट आपका अगर अच्छा हुआ जिसमें आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी गई या आप पे लगा कि हाँ ये ऑफिसर बनने लायक बंदा है, सेलर है, तो आपको SSB में क्वालिफाई करके ऑफिसर बना दिया जाता है। और उसके बाद एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है SD स्कीम में, जब आप सिलेक्ट हो रहे होते हो कि आपका आपके सबॉर्डिनेट्स जो साथ में हैं उनमें सीनियरिटी अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, रैंक अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको रिकमेंड करा जाता है आपकी यूनिट द्वारा कि आपको SSB के लिए भेजा जाए और आप सेलर से ऑफिसर बनने के लिए डिजर्विंग हैं। जब ये चीज़ तीनों हो जाती है तो उसके बाद आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स अच्छी हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और आपका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन अच्छा है जो SSB सेंटर में होगा, तो उसके बाद आप ऑफिसर बन सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऑफिसर बनना चाह रहे हो AA एंट्री के बाद, तो मैंने आपको
तीन डिफरेंट तरीके बता दिए हैं जिसके थ्रू आप बन सकते हो अगर आप स्टार्टिंग ज्वाइन करते टाइम नहीं बन पाए हो या आप सेलर एंट्री करने के बाद आगे का प्रमोशन देख रहे हो तो आपके पास तीन अलग अलग चांसेस हैं जिसको आपको रेगुलर ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जनरल इन्फॉर्मेशन इधर उधर से कलेक्ट करके मैं आपके पास लेकर आया हूँ। अगर आपको कोई भी इसमें थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन गलत लगी तो आप उसको करेक्ट करिए और कमेंट करके हमें बताइए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स